हाय एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे लद्दाख के 7 मेजर फैक्ट के बारे में और जानेंगे कि लद्दाख में क्या कुछ फेमस और पॉपुलर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कमेंट और शेयर करना भी मत भूलिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला फैक्ट इस कि लद्दाख में जो है सबसे हाईएस्ट ब्रिज यहाँ पे है, जिसको हम बेली ब्रिज कहते हैं और वो द्रास एरिया में लोकेट है। इवन 5000+ सी लेवल से वो अबव है और उसको 1982 में इंडियन आर्मी ने बनाया था, सो वॉर के दौरान। सो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लोग आते हैं उस ब्रिज को देखने के लिए और घूमने के लिए। एंड सेकंड फैक्ट इस कि लद्दाख जो है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट इनहेबिटेड प्लेस है, जहाँ पे लोग खेती बाड़ी वगैरह और माल मवेशियाँ पालते हैं। सो वो सबसे हाईएस्ट मानते हैं इंडिया का। एंड द थर्ड फैक्ट इस कि लद्दाख में जो है वो डबल हम कैमल भी यहाँ पे मिलते हैं और इसके लिए जो बहुत ज़्यादा ही लद्दाख पॉपुलर है, लोग देश विदेश से यहाँ पे आते हैं डबल हम कैमल देखने के लिए। और वो मेनली जो है वो नुब्रा वैली में मिलते हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं खासकर देखने के लिए। एंड थर्ड फैक्ट इस कि लद्दाख में जो है लद्दाख श्रीनगर लेह हाईवे में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक हिल आपको मिलेगा जो व्हीकल्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, जिसको लोग जो है वो मैग्नेटिक हिल भी कहते हैं। और जो टूरिस्ट जो है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और देखने के लिए। सो वो ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा पॉपुलर। तो फिफ्थ फैक्ट इस पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सॉल्ट लेक मानते हैं और वो 4000+ सी लेवल अबव लोकेट है और बहुत सारे लोग वहाँ पे पेंगोंग लेक घूमने के लिए आते हैं। एंड द सिक्स फैक्ट इस कि लद्दाख इज़ दी प्राइम लोकेशन फॉर स्टार गेजिंग, यानी लद्दाख जो है वो स्टार गेजिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है। और इवन लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट टेलीस्कोप जो है वो लद्दाख में ही है। एंड लास्ट फैक्ट इज़ दैट कि लद्दाख जो है बहुत ज़्यादा फेमस है अपने एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। यहाँ पे आइस हॉकी, स्नो स्केटिंग और इस तरह से ट्रैकिंग वगैरह बहुत ऐसे इवेंट्स होते हैं और लोग यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स भी यहाँ पे होते हैं। सो इसके लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो एक बार फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो विद डेट थैंक यू वेरी मच।